ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और ये होगी जुलाई मंथ, जो कि अब बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और समझ लीजिए राउंड द कॉर्नर ही है और आने वाला है। और पिछली बार मैं जून की रीडिंग डालने में थोड़ा डीले हो गई थी, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी थोड़ा सा सतर्क होकर मैंने पहले रीडिंग बनाने का सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, पहले से आप रेडी हो, तभी तो आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सो जुलाई मंथ की वो कौन सी दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हैं, घटनाएं हैं, जो चीज़ें फोकास्ट करने जा रही हूँ इस रीडिंग में, जो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए, तो उन्हें देखना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं, खैर मैं किसी को रोकना नहीं चाहती, सब फ्री विल से जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं हमें तो ये रीडिंग गलत लगती है, आपने तो हमारी गलत रीडिंग की है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बार बार आपको एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके यही बोलूँगी, मैं किसी की गलत रीडिंग नहीं बनाती, मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ। और मेरी तरह और कितने टैरो रीडर्स हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिनके मेरे ख्याल से हज़ारों, मेरे तो हज़ारों में अभी वो भी आप लोगों के सपोर्ट से हुए हैं, उनके तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो कितने सालों से दे आर डूइंग रीडिंग। मतलब आप सबका, इवन मेरा खुद का उन पर ट्रस्ट है, मैं उनको देख देख के सीखी हूँ, उन्हीं में से कोई एक मेरे को सिखाया भी है, मैंने उन्हीं में से किसी एक से सीखा है और आज मैं अगर कुछ हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। तो देखिए, जो इतने पुराने टैरो रीडर्स हैं वो ऐसे ही मार्केट में नहीं आए हैं, और इनफैक्ट उन लोगों को तो पर्सनल रीडिंग का इतना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। अब आप, मैं भी कभी उनकी वेबसाइट पे, उनके सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाकर जब अपने नाम से अपने साइन से रीडिंग देखती हूँ तो मेरी भी नहीं मैच होती, तो मुझे भी ऐसा लगता है अरे मैम की तो मेरे को मैच नहीं हुई। तो वो जनरल रीडिंग है, इतना लंबा बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अपने सन एंड मून साइन, अपने नाम राशि से, जिस चीज़ से आपको मैच करे उससे आप देखें और लाइट वे में इन रीडिंग्स को देखें, ज़्यादा स्ट्रेस लेके प्लीज़ आप मत देखा करें, ठीक है। अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैसेज था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माय डियर वर्गो यानी के कन्या राशि, आइए देखते हैं वर्गोस की जुलाई मंथ क्या दिखा रहा है आपके लिए और वो कौन सी दो सबसे बड़ी घटनाएं या भविष्यवाणी आपके लिए दिख रही हैं। सबसे पहला कार्ड लेंगे हम ट्रैवलिंग का। और आप मानेंगे कि मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष भी पढ़ती हूँ, तो ज्योतिष में मेरे लिए यानी कि वर्गो राशि के लिए, क्योंकि मेरी खुद की भी वर्गो राशि है, मेरा मुझे कहा गया है कि मैं अगले एक महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगी। सो सेम ही कहीं ना कहीं आया है और आप देख लीजिए किस तरह की ट्रैवलिंग है। और एक चीज़ जो दिख रही है, ट्रैवलिंग आप किसी ऐसे काम के लिए करेंगे जहाँ पर वर्गो राशि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, आपको कुछ क्लियर होगा ज़िंदगी में, आपको कुछ ऐसे रास्तों पे आप आगे बढ़ेंगे जहाँ पर अभी तक आप शायद नहीं चले थे और आपको शायद लग रहा था कि मैं उस तरफ जाऊँ भी कि ना जाऊँ, बट नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स इट। क्लैरिफाई करते हैं, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे तो ये दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपके तरफ बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, जिसने आपको बहुत कड़ा रुख दिखाया है कुछ टाइम से, आपको बहुत हार्ड टाइम दिया है। आप उस पर्सन के साथ बहुत क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं। आप उसके पास चाहे जाएंगे या आपके ऐसे कुछ हालात बनेंगे कि आप दोनों एक जगह पे मिलेंगे और वहाँ पर जाकर आप दोनों कुछ बातों को क्लियर करने वाले हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है वर्गो राशि अगले महीने जुलाई मंथ में, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते, सामने वाले को मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नज़र आ रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं इस इंसान को बहुत जल्दी।
अगला इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को देखें तो आप कुछ चीज़ों को ऐसे समझ जाएंगे जहाँ पर आप अभी तक केज्ड थे, अभी तक आपकी सोच, आपका दिमाग बंद था, आपको लगता था यही मेरी दुनिया है, यही मुझे सब कुछ मिलेगा। बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अगर एक इंसान मुझे कोई चीज़ नहीं दे रहा, अगर एक तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, देन देयर इज़ अ वर्ल्ड फॉर मी। और ये चीज़ ना हम वर्गोस नहीं समझते, हम एक ही इंसान पे टिके रहते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे ही आप उस केज का दरवाज़ा खोलेंगे, आपको और आपके जैसे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो लाइफ में हम लोगों को रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। फाइव ऑफ कप्स, सॉरी हाथ से गिर गया, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे जो दिख रहा है कि आप लोगों के साथ सलाह मशवरे लेते नज़र आएंगे, क्लैरिटी लेते नज़र आएंगे, अपने दोस्तों से, अपने बहुत क्लोज्ड कुलीग्स से, कुछ हमारे कुलीग्स भी होते हैं हमारे ऐसे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। आप खुद समझेंगे कि मैं ऐसा क्या नया कर सकता हूँ अब अपनी लाइफ को। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम एक तरह से काफ़ी साल तक ज़िंदगी को जी लेते हैं, 8 साल, 10 साल, 5 साल, तो हमें क्या लगता है कि हमारी लाइफ ना ऐसे ही चलती रहेगी, अब हमें इसी लाइफ में ही इसको बेटर बनाना है। जब बहुत बड़ा झटका लगता है ना इंसान को, तब उसको पता चलता है कि नहीं, यही नहीं थी ज़िंदगी। ज़िंदगी को मैं अगर ऐसे नहीं चला पाया तो वैसे भी, तो मतलब देयर आर अदर वेज ऑल्सो, रास्ते और भी हैं। तो यही एक रास्ता नहीं है कि आपको यहीं पर ही अटक के ज़िंदगी को चलाना है। आप अगर अब तक उन चीज़ों पे रिग्रेट कर रहे थे, जिस इंसान के साथ आप रुके थे, जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस में आप अब तक रुके थे और खुद को फंसा हुआ और ऐसा फील करते थे कि हाय मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, आप लोगों से डिस्कस करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के अब रास्ते बनाएंगे। सो बहुत अच्छा मुझे वर्गोज आपके लिए दिख रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो भी वर्गो साइन के लोग हैं उनके लिए, कि उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। बहुत सफ़र किया है वर्गोज ने और फाइनली समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे। सो फ्रेंड्स, जिसने भी अब तक रीडिंग को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। सो जल्दी से अब आपके लिए निकालते हैं डिवाइन गाइडेंस। क्या है डिवाइन गाइडेंस वर्गोज के लिए? सबसे पहला, क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। देखिए, सो पुरानी चीज़ों से जब आप निकलेंगे तो डिवाइन भी आपके लिए अब डोर खोल के बैठे हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी सिचुएशन में इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि हमारा कोई बहुत भारी कर्मा होता है जो उस इंसान के साथ हमें क्लियर करना होता है। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है आप एक बहुत बड़ा कर्मा क्लियर करके आप वहाँ से अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आपको पता चलता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया और रिज़ल्ट मिल गया। लाइफ इज़ समथिंग डिफरेंट, उसके एक अलग ही प्लान्स हैं और वो सिर्फ आपके ही मैथ से नहीं चल रहा, वो जो जिन जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं उनके भी अपने पास्ट कर्मास के हिसाब से मैथ्स चल रहा होता है। सो इस चीज़ को आप समझेंगे डिवाइन ने कैसे आपके लिए जुलाई में खोला है नया। एंड लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, यानी कि अपने लिए नए रास्ते ढूंढिए। नंबर वन, 10 नंबर 1 का कार्ड है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। आप अब देखिए, आपको खुद समझ में आएगा जुलाई मंथ आपके लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। आपकी ये दो बड़ी भविष्यवाणियाँ मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ज़रूर सच हों और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो वर्गोस। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।